नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल, आपका बिजनेस दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंचाइजी बताओ पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, और वो बिजनेस है मिनीप्लेक्स का। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर में आपके आसपास बहुत सारे मल्टीप्लेक्स होंगे, और एक मल्टीप्लेक्स ओपन करने का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मिनीप्लेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कि आप मात्र 15 से 20 लाख रुपए में ओपन कर सकते हो। और आज मैं प्रगति मैदान पर फ्रेंचाइजी इंडिया के शो पर कॉन्प्लेक्स के नाम से, जो मिनीप्लेक्स है, उनके साथ अवेलेबल हूँ। मैं डायरेक्टली उनसे बात करूँगा और हम सुनेंगे कि वो इस बिज़नेस के बारे में क्या बताते हैं। अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम 100 सीट्स के नीचे का मिनीप्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें आपका पैसा कम लगता है, जिसका ओवरहेड्स कम होता है, मेन पावर से लेके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। हम 18 मंथ एश्योर्ड आरओआई प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ही कंपनी है अभी जो कि आपको रिक्लाइनर सीट्स 100% प्रोवाइड करती है, और हमारे पास लाउंजर्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कस्टमर के लिए जितने का उसने मूवी खरीदा टिकट, उतना हम कैशबैक ई वॉलेट में दे देते हैं। उस ई वॉलेट से वो शायद मूवी भी देख सकता है दोबारा फ्री में, या उसको फ्लाइट टिकट, बस टिकट जो भी खरीदा वो खरीद सकता है। ये ज़्यादातर ऑक्यूपेंसी पे बिजनेस चलता है। बड़े थिएटर्स 30% के ऊपर कमाई करते हैं, ये छोटे होने से इसका ऑक्यूपेंसी बढ़ जाता है, तो उसके लिए उसका आरओआई 18 मंथ में बैठ जाता है। एक ही कंपनी दूसरी यूनिक पॉइंट है, जो फ्रेंचाइजी के साथ कंपनी भी इन्वेस्ट करती है, प्रोजेक्टर्स, सर्वर, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर्स के लैंप के अंदर कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये अभी हमारे तरफ से कॉम्प्लेक्स फ्रेंचाइजी है आपकी ऑल ओवर इंडिया। अभी हम गुजरात बेस्ड कंपनी है, हमारे गुजरात के अंदर 40 फ्रेंचाइज साइन किए, 14 ऑपरेशनल स्टोर है अभी, आई मीन थिएटर्स। मुझे एक चीज और जाननी है आपके बारे में, कि जो नया फ्रेंचाइजी ओपन होगा वो कितने महीने में अपना रिटर्न पूरा निकाल लेगा? ये हम वैसे एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन एश्योर्ड 18 मंथ्स हम लिख के देते हैं। कुछ थिएटर्स ने 6 महीने में निकाल दिया, लेकिन हम एश्योरिटी 18 मंथ्स की आपको लिख के देंगे। आपको एरिया लोकेशन कैसी चाहिए? एनी सिटीज, 1 लाख के पॉपुलेशन से लेके 2 करोड़ का पॉपुलेशन, एनी सिटीज। उसके डिफरेंट मॉडल हम एरिया के हिसाब से स्टडी करके देते हैं, बट ऑल सिटीज, इवन टाउन कैन अफोर्ड थिएटर्स विद 15 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, आपने सुना कि कॉन्प्लेक्स जो मिनीप्लेक्स है वो आप इजीली छोटे शहर में भी, जहाँ पर 1 लाख या उससे अधिक की आबादी है, वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो 15 लाख या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, एज पर द एरिया आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। और चूंकि ये 100 सीटर या उससे कम सीटर का है, इसलिए इसकी ऑक्यूपेंसी 100% के आसपास रहती है, इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, और आप बहुत ही जल्दी आप ब्रेक इवन टच कर लेते हो और प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने शहर में कॉम्प्लेक्स मिनीप्लेक्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं आपके सभी बिजनेस क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा। और बहुत ही जल्दी मैं 2020 सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं आशीष अग्रवाल, आपका बिजनेस दोस्त, आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।